कोथमीर है, करियापाक है, कोथमीर पुदीना है, इसमें कोथमीर है। अच्छी तरह से तोड़ लेके रख लेती हूँ। ये करियापाक अच्छा पता पता निकाल लेके रख लेते, जब कभी लेके पकाने आता। ठीक है गैस, ये नींबू है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप? हम आ चुके हैं फिर से मासूमा के किचन में। आज बनाने जा रहे हैं फिर से तहारी, दही दाली में। इसमें गोश्त है, अब डालूंगी पूरा मसाला हमारा। यह है पूरा मसाला, नमक, मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, सब इसमें मिक्स कर दूंगी मैं। सबसे पहले भी बताई थी मैं आपको तहारी की रेसिपी, मेरे चैनल पर है। डालेंगे थोड़ा नींबू का रस, ऐड करिए टमाटर, भगोना रख ली मैं, तेल गरम हो रहा, तीन पल्ली तेल डाली। अब ये डालूंगी लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, अच्छा सा ब्राउन कलर का हींगा, तो हम प्याज डालेंगे। ठीक है गाइस, ये मिला लूंगी मैं अच्छी तरीके से। अच्छे तरह से सब मिक्स कर ली, डालूंगी थोड़ी कोथमीर, पुदीना, प्याज ऐड कर ली मैं इसमें। प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कलर की होने दूंगी, उसके बाद अदरक लहसुन ऐड करूंगी। प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो गई, अब ऐड करेंगे अदरक लहसुन। माशाल्लाह अच्छी तरह से होने जा रहा। चलो पानी ऐड कर देंगे हम अब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल ऐड कर दी मैं अब। बच्चे शौक से खाते हैं वापस तहारी। माशाल्लाह अच्छी बन गई तहारी, अब इसको हम दम लगा देंगे। थोड़ा असली घी भी ऐड करेंगे हम।
चलो अब दम पे रख देंगे इसको। हे गाइस, तहारी बन गई। हम आज ये दस्तरखान पर भगोना रख लिया है, क्यों बोले तो गरम गरम ऐसे खाएंगे दाल लेके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलो बेटे आओ। खाना खाएंगे हम अब। ये प्याज काट ली मैं। चलो बेटे आओ, हाँ इधर आ जाओ, मशमा ले लो। माशाल्लाह, खाना खाने जा रही मैं, ज़्यादा गर्म है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जबरदस्त। आ जाओ बेटे, सब जाने आ जाओ।